जिले में फिर एक बार चर्चा में आया मुस्लिम होटल ढाबों पर नेम प्लेट विवाद के बाद हिंदू बस्ती में मुस्लिम द्वारा मकान खरीदने का मामला इस समय चर्चाओं में है। तो वहीं मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के सामने प्राचीन मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद अब खड़ा होने लगा। हिंदूवादी नेता संजय अरोड़ा द्वारा उठाए गए मामले के बाद लखनऊ से आई टीम ने इसका सर्वे किया, जिसमें मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मस्जिद की इस भूमि को शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने की तैयारी की जा रही है। कथित विवादित मस्जिद की भूमि आज भी पत्रावलियों में रुस्तम अली के नाम पर है। पत्रावलियों में भूमि स्वामी के नाम के सामने रुस्तम अली स्पष्ट रूप से लिखा है, जबकि दूसरे कॉलम में मस्जिद लिखा हुआ है। आपको बता दें कि रुस्तम अली ये कौन है। दरअसल रुस्तम अली कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली के पिता थे। विभाजन के दौरान लियाकत अली पाकिस्तान जाकर वहां के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि रुस्तम अली भले ही पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली के पिता रहे हों, लेकिन वो पैदा मुजफ्फरनगर में हुए और यहीं पर मरे। ऐसी स्थिति में ये शत्रु संपत्ति कैसे हुई? बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर लगातार चर्चाएं पिछले कई दिनों से जोरों पर चल रही हैं, लेकिन हिंदूवादी नेता संजय अरोड़ा लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि रेलवे स्टेशन के सामने इस प्राचीन मस्जिद की जमीन एक तरफ से सरकारी संपत्ति से जुड़ा मामला है, इसलिए इस जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाए। फिलहाल मस्जिद निर्माण के कार्यों को भी इस विवाद के दौरान रोक दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूरे मामले में प्रशासन के द्वारा जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई क्या होती है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के हिंदूवादी नेता संजय अरोड़ा का साफ कहना है कि हमारे संगठन द्वारा इस तरह लैंड जिहाद की जमीन को खोजी है। 1947 में विभाजन के दौरान रुस्तम अली पाकिस्तान चले गए थे, तब से इस जमीन पर कब्जा बनाकर मस्जिद का निर्माण करने का प्रयास किया गया था। हमारी मांग है कि शत्रु संपत्ति घोषित कर ध्वस्तीकरण करना चाहिए। ये जी गलत है, ये तो जो आरोप है तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, रुस्तम अली खान ने इसे वक्फ कर रखा है, उसके बेटे लियाकत अली खान का नाम लिया जा रहा है, नू लियाकत अली की है लेकिन उसकी नहीं है। लियाकत अली कौन है? ये रुस्तम अली के बेटे हैं लियाकत अली, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके नाम बताया जी? उनके पिता ने ही उसे वक्फ कर दी थी इसे मस्जिद के नाम। आप किस चीज़ की दुकान चलाते हैं? यार छोले भटूरे की दुकान चलाते हैं, होटल है हमारा। कब से चलाते हैं जी? ये पहले हमारे बड़े थे, वाली साहब थे, 1980 से चलाते हैं यहाँ। फिर 2010 से हम आ गए, बड़े भाई थे, व्याहते थे यहाँ पे। 2010 के बाद हम आते हैं यहाँ पे। जी 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 संजय जी, आपने रेलवे स्टेशन के सामने मस्जिद है, उस पर विवाद खड़ा किया, क्या है ये पूरा मामला? हमने विवाद खड़ा नहीं किया, ये राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने एक जो सरकारी संपत्ति है उसको खोज निकाला है, जो लोग लैंड जिहाद के तहत कब्जाए बैठे हुए थे, और ये आज से नहीं बड़े लंबे समय से लैंड जिहाद चल रहा है। जी कह रहे कि किसकी संपत्ति आए, कैसे सरकारी? ये रुस्तम अली खां जो लियाकत अली के फादर थे उनकी संपत्ति है, जो 1947 में जो है पाकिस्तान चले गए थे बंटवारे के समय पर। तो इस संपत्ति पर जो है शत्रु संपत्ति कहो या निष्क्रांत संपत्ति कहो, ये वो संपत्ति है। जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, उन्हीं की ये प्रॉपर्टी थी? हाँ, उन्हीं की ये प्रॉपर्टी थी, उनके पिता की। लेकिन जो यहाँ के लोग जो कह रहे थे वक्फ की जमीन है, उनके पिताजी ने रुस्तम खान ने जो है कि वक्फ को देनी थी, लेकिन ये शत्रु संपत्ति नहीं है। अगर ये लियाकत के नाम होती तो शत्रु संपत्ति थी? नहीं नहीं, इसमें कहीं कोई वक्फ का जिक्र नहीं है। वह अभी जो एक कमेटी बनी थी, जो जिलाधिकारी महोदय ने बनाई थी, 6 कमेटी, उसमें वक्फ बोर्ड के अधिकारी भी शामिल थे, तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है कि वक्फ बोर्ड में कहीं पर भी ये दर्ज नहीं है। तो क्या है इसका, क्या क्या चल रहा है इसको लेकर? इसको लेकर यह है, ये शत्रु संपत्ति है, ये ध्वस्त होनी चाहिए। हमने बड़े संयम से काम लिया, हम चाहते हिमाचल की तरह हम भी इसे ध्वस्त करवाने का काम करते। क्या, क्या है इस मस्जिद को लेकर विवाद क्यों? क्या मस्जिद अभी निर्माण चल रहा है? निर्माण पूरा अवैध है, अवैध निर्माण है। ये यहाँ मस्जिद थी नहीं, यहाँ पर 1918 से पहले ये झोपड़ियाँ दर्ज हैं कागजों में, मतलब सराय दर्ज है, और उस सराय को किसी ने 1918 में मस्जिद लिखा दिया। वैसे ही कोई कागज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, किसी तरह का कोई कागज नहीं बना है। अब कहाँ तक पहुँची है आपकी ये पहल? अब ये मामला ये है कि इस कमेटी द्वारा निष्क्रांत संपत्ति के रूप में इसको जो है दर्शाया गया,
और उसकी रिपोर्ट जब आई निष्क्रांत संपत्ति की, हमने डीएम साहब से कार्रवाई करने के लिए कहा। और इस पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो गृह मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया और गृह मंत्रालय की टीम आके यहाँ पे सर्वे करके गई है और इसको निष्क्रांत संपत्ति को शत्रु संपत्ति में शामिल किया जाएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद अतहर है। क्या मामला जो रेलवे स्टेशन के सामने बैठी था, इसका लेकर विवाद चला, क्या है? देखिए ये शत्रु संपत्ति वाला मामला है, इसका असल में जो रुस्तम अली खान थे उन्होंने ज़मीन वक्फ करी थी मस्जिद के लिए, ठीक है, और कुछ लोग जिन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ मुकदमा किया है या जो भी चल रहा है इसके ख़िलाफ़, वो ये है कि लियाकत अली खान ने वक्फ की है और लियाकत अली खान पाकिस्तान गए थे, ठीक है, तो अगर वो पाकिस्तान गए उनकी उनकी संपत्ति है तो ये शत्रु संपत्ति है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये रुस्तम अली खान के पास से ही वक्फ है, लियाकत अली खान के पास आई ही नहीं ये ज़मीन। जी जी हाँ, रुस्तम अली खान ने ही वक्फ कर रखी है, लियाकत अली खान के पास अगर आती तो जब शत्रु संपत्ति में आती है। कौन है रुस्तम अली खान और कौन लियाकत? लियाकत अली खान के फादर है रुस्तम अली खान। अच्छा। जी लियाकत अली जो पाकिस्तान चले गए थे, जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, पहले प्रधानमंत्री। जी तो अभी संपत्ति को लेकर क्या चल रहा है, जाँच टीम भी आई थी? हाँ, जाँच टीम आई थी, उन्होंने जाँच भी की है यहाँ के क्या मतलब कि क्या है, किस तरह है मामला, किस तरह दुकान है, किस तरह ज़मीन है, मस्जिद कहाँ है, किस तरह है, मस्जिद की भी जांच की उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पुरानी मस्जिद है ये, 1800-1900 से लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। हमने अपने बड़ों को भी सुना, हम तो अभी कुछ सालों से नमाज़ पढ़ रहे हैं, अपने बड़ों को भी सुना, कोई 1990 से नमाज़ पढ़ रहा है, कोई 1950 से नमाज़ पढ़ रहा है। एक हमारे चचा हैं यहाँ, वो रहते हैं, उनकी तो छठी पीढ़ी है यहाँ। जी छठी पीढ़ी है उनकी ये वाली, तो इस वजह से ये मेरे ख्याल से हुकूमत शायद जिस चीज़ को लेके एक्शन ले रही है वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही है। जी लियाकत अली खान की ज़मीन नहीं थी ये, रुस्तम अली खान थी, वहीं से वक्फ हुई हुई है ये, तो इसलिए शत्रु संपत्ति का कोई मुद्दा है नहीं। हर न्यूज़ अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।